है आज का नहीं है गाइस, बहुत पहले का है ये। और ये पत्थर देखिए, और यहाँ पे मतलब हेलो गाइस, कैसे हो? अच्छे ही होंगे तो अच्छे ही रहना, दुआ करता हूँ। तो स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग पे। तो टाइम कुछ अभी दिन के 3 बज रहे हैं, तो आपको एक दो दिनों से वीडियो नहीं मिली थी, तो मेरी तबीयत ख़राब थी। तो आजकल बारिश बरसात का मौसम है, और तो मौसम चेंज हो जाता, मुझे जुकाम हो गया था, अब तो ठीक है। तो अंदर काफ़ी गर्मी लग रही थी, मैंने सोचा थोड़ा छत में चले जाए तो हवा हुआ, तो अभी बारिश थकी है तो क्या ही व्यू लग रहा है छत का। तो यहाँ पे सीढ़ी नहीं है तो इस तरह से चढ़ना पड़ता है गाइस थोड़ा सा। और तो व्यू दिखाता हूँ पहले मैं आपको पहाड़ों का। ये देखिए, ये सामने वाला पहाड़ देख रहे होंगे, हल्का हल्का बादल भी लग रहे हैं इसमें अभी, ये देख सकता है। तो जब ठंड का मेरा विंटर का समय आता है गाइस, तो इसमें पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ से ढकी रहती है। और तो ये हमारे वाले पहाड़ में भी कभी कभार पड़ जाती है जब टेम्परेचर ज़्यादा ही नीचे आ जाता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं रहती इसमें बर्फ़, तो जैसे शाम को पड़ी और सुबह 12-1 बजे तक पिघल जाती है। तो पहाड़ तो क्या ही लग रहे हैं, ये देखिए चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं, और बीच में बसा गांव हमारा। और तो ये मकाई मकाई भी होने वाले हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं एक दो तो लगी भी है, एक दो काफ़ी लगी है इसमें, तो ये 2-4 दिनों में तैयार हो जाएंगी। तो पर ये हमारी नहीं है गाइस, ये और क्या है, तो हमारे ये सामने हैं ये वाले, दिखा सकता हूँ आपको, देख सकते हैं। तो ये वाले तो अभी छोटे हैं, और ये थोड़ा हमने ये पहले बोए थे और ये बाद में बोए थे, तो इसमें तो लगे हैं गाइस थोड़े 2-4। तो इसमें इस अभी आ गया हूँ मैं नदी पे, तो घर में कुछ अजीब सा लग रहा था, मैंने सोचा थोड़ा नदी की ओर चली जाए, तो इधर ठंडी ठंडी हवा खाई, तो व्यू तो क्या ही बोले, क्या ही लग रहा है नदी के किनारे भी। तो ये देख सकते हैं आप, ये तो छोटी नदी है, मतलब साइड से आती है, और बड़ी ये सामने बग रही है। और तो वही ऐसी जगह आने का अलग ही मज़ा कुछ आ जाता है, ऐसी खुली जगह में तो फील ही कुछ अलग आ जाता है गाइस। तो ये देख सकते हैं आप, और ये सामने ये रोड देख रहे होंगे आप, रोड नहीं है ऐसी बना रखा है। पहले 1-2 साल पहले बहुत पहले JCB लगी थी इधर, मतलब यहाँ से बजरी जाती थी कहीं ट्रक पे, वो मेरे को नहीं पता, तो इन्होंने इस तरह से बनाया था। और तो व्यू तो सामने का क्या ही लग रहा है अलग ही। और तो अभी बारिश भी थमी है, तो इधर से जाते लेते हैं। तो गाइस ये देखे 10 रुपये का नोट भी पड़ रखा है यहाँ पर, तो गाय ये किसी का भी गया होंगे यहाँ से आदमी, सामने देख रहे होंगे पहाड़ों पे गाय गुई चराने जाते हैं, और तो तब छूटा होगा किसी का, तब ये 10 रुपये के नोट मिल गए। तो लक्ष्मी है गाइस, इसको रख लेते हैं तो काम आ जाएगा कुछ। तो आगे मिलते हैं आपको, लेट्स गो। ये बहुत ऊपर से आती है हमारी गंगा माँ, और ये लकड़ी देख रहे होंगे आप, तो गाँव में ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है गैस का, तो बहुत कम यूज़ किया जाता है गाँव में, ज़्यादा लकड़ियों का यूज़ किया जाता है। तो उन लकड़ियों में अभी पत्थर भी रखे थे, इसका मतलब है वो किसी के लकड़ी, मतलब किसी ने रखे हुए हैं। तो गैस का यूज़ तभी किया जाता है गाइस जब बारिश बरसात हो, लकड़ी लुकड़ी जब गीली हो जाती है तभी किया जाता है, गैस का इस्तेमाल वरना नहीं किया जाता है। तो लकड़ी जंगल में भी काफ़ी है, और नदी में भी काफ़ी आ जाती है बह के। तो इधर क्या ही लग रहा है, हल्का हल्का धूप भी काफ़ी लग गई है अभी, तो आगे समय तो बहुत बारिश लगी थी, अभी ज़्यादा ही धूप लग गई है, तो गर्मी होने लगी हुई स्टार्ट। आ गया हूँ अभी मैं अपने नानी के खेत पे, और इसको थों कहते हैं, दिखाता हूँ पहले मैं, ये इस तरह के ये वाले खेत, ये गांव से काफ़ी दूर हैं ये वाले खेत, तो इन पर तिल तुल बो रखे हैं, मतलब इनको जंगली जानवर नहीं खाते इनको, और अगर सोयाबीन धान धून बोए तो उनको खा लेते हैं, इनको नहीं खाते, तब ये गांव से काफ़ी दूर है वाले के, तो तब इस तरह से होते हैं। मेरे नानी के हैं वाले जितने भी बो रखे हैं सारे, और तो ये पार देख रहे होंगे आप, ये पूरा गर्म पानी है, तो क्या ही लग रहा है, अलग हिस्सा लग रहा है पूरा। और ये सामने देख रहे होंगे, जूम करके दिखाता हूँ पहले मैं आपको, ये था एक हॉस्पिटल बन रहा है पर अभी तक नहीं बना था। तो गई यहाँ तो बाघ भूख जंगली जानवर का काफ़ी खतरा रहता है, तो शाम सुबह नहीं रहता गाइस, शाम सुबह लोग आते जाते हैं, और अभी दिन में थोड़ा मैं आया था इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा घर में टाइम पास नहीं हो रहा, तो गाइस आ गया हूँ मैं गांव की ओर। तो ये घास देख रहे होंगे, इधर फूल देख रहे हो, तो ऐसा लग रहा है गाइस जैसे स्वागत कर रहे होंगे, ये उधर तक फैला है। और तो गाइस ये हमारा गाँव का मंदिर है, इन देवता का नाम है कैलपवीर, तो जय भगवान। तो ये गाँव का देवता है गाइस, तो ऊपर गाँव के लास्ट छोर पर रहता है ये, भगवान जी रहते हैं। और यार सोमवार को अब आजकल पूजा हो रही है, मतलब सावन का महीना लगा हुआ है, तो हर सोमवार को पूजा होती है इधर। तो ये देख सकते हैं आज का नहीं है गाइस, बहुत पहले का है ये,
और ये पत्थर देखिए, और यहाँ पे मतलब वो जलाते हैं, दिया दाया जलाते हैं। तो गाइस अगले सोमवार को इधर ही बनाएंगे वीडियो, तो किस तरह से होती है, कीर्तन भजन करते हैं, और तो आपको बताएंगे। इस तरह का था आज का ब्लॉग, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, तो ऐसे ही ब्लॉग आपको मिलते रहेंगे। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।